तो बस इंटरेस्ट है ये चीज़ों को जानने का, तो बैठ के पढ़ रहा हूँ अभी। मतलब फोटो स्टेट कराया मैंने 800-900 रुपये लगा के, अच्छा लगता है। तो बस वो इंटरेस्ट के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा देखिए सर, वो मेरे को हाँ पूछना था, हाँ अगर कंपनी रिजेक्शन मेल भी नया भेजे तो क्या करना चाहिए? रिजेक्शन मेल ना भेजे तो क्या करना चाहिए? तो समझना चाहिए कि हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे था और इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक अरे सर, है इस पे तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस है रिजेक्शन में। बताओ। मैंने कम से कम जॉब से पहले 200 कंपनी में अप्लाई किया है हाँ और 50 से बस रिजेक्शन मेल आए होंगे, और लगभग बाकी सबसे तो रिजेक्ट ही हुआ हूँ, रिजेक्शन मेल तक नहीं आया। अगर 15 से 20 दिन बीत जाता है, 21-22 डेज मैक्सिमम होता है, 22 डेज के बाद कोई कंपनी आपको ना कॉल करेगी हाँ और ना मैसेज करेगी, तो हाँ 22 डेज अगर बीत जाता है तो समझ जाओ आप रिजेक्ट हो। तो मतलब इंटरव्यू के बाद भी कम से कम इतना तो फॉर्मेलिटी रखते हैं ना सर? कई लोग क्या होते हाँ, कई हैं, लोग रखते हैं लेकिन कई लोग वो भी नहीं रखते हैं। कई लोग बताते नहीं, इंटरव्यू के बाद भी वो छोड़ देते हैं कि जाओ छोड़ो, तुम किसी और को भी हायर कर लिया उन्होंने, आपको बताने को कुछ नहीं करेंगे कि हाँ मैंने हायर करी। अच्छी कंपनी है तो करेंगे। देखो हम क्या बोलते हैं कि हम इतना कंपनी को धोखा देते हैं कि कंपनियों का भी मन हो जाता है हमें धोखा देने का, सच्चाई ये है। ठीक है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं कई जब मेरे मेरे इंड पे ऐसा हुआ था एक टाइम पे कि मैं ही फाइनल करता था कंपनी में कि भाई किसको लेना है किसको नहीं लेना है। मैं कई बार मैं क्योंकि मेरे ऐसा नेचर है ना, तो मैं कई बार बिलीव करोगे कि मैं बता देता था ये टॉपिक पढ़ के आओ। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक होते थे, ये टॉपिक्स पढ़ के आओ, याद करके आना। जब मुझे से कोई अच्छा लगे एम्प्लॉय, मुझे लगता है कि वैल्यू एड करेगा, मैं बोलता था याद करके जरूर पढ़ के आना, मैं सेलेक्ट कर लूँगा अगर इसको परफॉर्म अच्छे से कर लिया तो। बिलीव करो वापस कोई आता ही नहीं था। ठीक है, वापस कोई नहीं आता था। मतलब मेरा एक्सपीरियंस कम से कम 25 से 30 लोगों के साथ रहा होगा ये चीज़, कि अभी वो लोग भी तो मुझे धोखा दे रहे थे ना। ठीक है, तो मैं तो ये रिपोर्ट कर रहा था ना कि मुझे वो धोखा मिला ना। ठीक है, मैं विकास को बोलूँ कि ये टॉपिक पढ़ के आओ, विकास मैं तुमको सेलेक्ट कर लूँगा, तो मेरा होप हो गया था ना विकास से। तो हम भी धोखा देते हैं कंपनी को, इसलिए कंपनी का भी मन हो जाता है कि हमें भी धोखा देना वो स्टार्ट कर देते हैं। और वही होता है, एक तो होता है कि भाई कंपनी का लेवल क्या है उसके हिसाब से होता है। प्लस मेरे को ऐसा लगता है कई जगहों पर ऐसा होता है कि वो अगर कंपनी रखती है यार कुछ अप टू द मार्क है तो फिर वो इंटरटेन करते हैं, नहीं तो फिर नहीं करते हैं, और एक एक महीने ले लेते हैं लगभग। ये मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। हाँ सर, 22 सर, रिजेक्शन मेल तो मुझे अभी भी आ रहे हैं जॉब लगने के बाद भी नहीं पड़ता और एक चीज़ मैं मेरे को भी याद आया इससे जॉब लगने से, कि जब मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मतलब कि कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहा था, और लखनऊ खूब अप्लाई किए थे मैंने, खूब अप्लाई किए, उस समय कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। बिलीव करो उसके एक एक लगभग 6 से 7 महीने के बाद, जब मैं किसी जगह जॉब पर लग गया, 6 से 7 महीने के बाद मुझे लगभग 3 साल तक उसका रिजल्ट मिलता रहा। 3 साल तक मुझे कंपनीज का ऑफर आते रहे कि आपने अप्लाई किया था, आपने अप्लाई किया था। मैं कहा ये देखो, मतलब पेड़ तब लगाया था, फल अभी मिल रहे हैं। ठीक है, फिर तो ये भी चीज़ होती है कि आप अगर आपका रिज्यूम अच्छा कहीं पर गया हुआ है तो ये जब समझो कि आज नहीं तो कल उसका कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ये फिक्स रहता है। ठीक है, मुझे ही कभी किसी को हायर करना होता है ना, तो मुझे लगता है देखिए मेल पे किसी का रिज्यूम पड़ा होगा, देखते हैं तो मेल पे जाके सर्च करता हूँ पुराने रिज्यूम किसी के पड़े, मैं बैक कॉल कर दिया, करना है क्या? ठीक है, कर लो ऐसा करके। तो ये भी हो सकता है, प्रीति वेट कर लो, आएगा रिस्पॉन्स, अभी तो तुम्हारा इंटरव्यू हुआ है जस्ट। और किसी को कुछ शेयर करना है बोलो बोलो प्रीति, सर, तुमको लेकिन वो जो मुंह पे होला था ना वो बहुत था। ठीक है वो क्या बोलते हैं, कुछ कंपनियों का ऐसा होता है। ठीक है, मैं कंपनी में था, ऑयल एंड गैस की थी, साउथ दिल्ली में थी, तो उसमें मैं गया तो मैं फाइल लेके गया था पुराना, फिर से फ्रेशर लोग जैसे करते वैसे मैंने भी किया, तो फाइल लेके गया तो उसमें मैंने, क्योंकि प्रिंट आउट निकालने का उस समय थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता था, 10-10 रुपये लगते थे एक पेज का, तो मैंने क्या कर रखे थे, एक पेज रिज्यूम का निकलवा के फोटो स्टेट कर रखा था 40-50 कॉपी। मैंने कहा जहाँ जहाँ जाऊँगा एक एक रिज्यूम दूंगा, तो उसने बड़ी बेइज्जती की थी सबके सामने। उसने बोला कि पक्का है कि तुम यहाँ पर 4-5 कंपनियों का क्या बोलते हैं सोच के आए हो, 4-5 कंपनियों में तुम जाके इंटरव्यू देने वाले हो। सच भी यही था, तो क्या बोलते हैं एक तरीके से बेइज्जती थी मेरी, बट ठीक है, उसको पॉजिटिव तरीके से लिया कि आगे से कभी भी किसी कंपनी में जाओ 2 से 3 रिज्यूम, इससे ज़्यादा मत लेके जाओ। ठीक है, तो और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे करो। अर्जुन कुछ करना है क्या? प्रीति हाँ सर, तो एक और चीज़ हाँ मैं बोलो बोलो, बोलना चाहूँगी हाँ बोलो सब बोलो लोगों को, हाँ कि जो बेसिक जो हमारा रहता है, जो हम समझते ही नहीं कि एक्चुअल में बेसिक क्या है, करेक्ट उस पे वो लोग खेलते हैं। मतलब मेरे को तो करेक्ट ऐसा ही लगा, बिकॉज मैं बोलूँगी कि चलो बताओ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में डिफरेंस। सो एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, सही बोल रहे हो प्रीति तुम, लेकिन उसमें सब नहीं खेलते, ये बड़ी दिक्कत है।
हाँ बट हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में कि हम जो हाँ बोल रहे हैं एक एक वर्ड उसका क्या क्या मतलब है. हम लोग रट मतलब लेते हैं करेक्ट कि अरे ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, जैसे कि सपोज आईएएस कोड का भी एक सर्टेन प्रोसेस है, वो करेक्ट प्रोसेस हम रट लिए कि ऐसा ऐसा होगा. करेक्ट मेरे को था क्यूरियोसिटी कि रिस्पॉन्स फैक्टर कैसे काम करता है करेक्ट और मतलब ये इसका क्या रोल होगा, बट क्या करेक्ट है उतना घुसने का भी टाइम नहीं है और अपन को खुद भी फिर अल्टीमेटली अभी फिलहाल जॉब चाहिए फिर जॉब घुसेंगे ही चाहिए. क्योंकि इंटरेस्ट है तो घुसना है ही. बट पॉइंट ये था कि ओवरव्यू तो लोग होना जो चीज़ें, चाहिए, इतना होना चाहिए कि हाँ हम एक्सप्लेन कर सके. दूसरी चीज पता है क्या प्रीति, कि अभी अगर तुम इस चीज को अगर गो थ्रू होने लगोगे तो तुमको पता है ना कि आज के टाइम पे 70% लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, 70% लोग जो पीएचडी कर रहे हैं वो डायनेमिक एनालिसिस पे कर रहे हैं. हाँ सोचो इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर पीएचडी हो जा रही है. पीएचडी हो जा रही है, सही तो बात अब है. इससे यही आइडिया लगा सकते हो कि हर टॉपिक पर परफेक्ट होना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हर टॉपिक के बारे में जानना ये पॉसिबल है, हाँ ठीक है? तो जानने की कोशिश करो. परफेक्ट होना मेरे अकॉर्डिंग यार वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर आपको कम से कम 10-15 साल लग जाएंगे पूरे अगर चीज़ों के बारे में जानना. मुझे लगता है उसके बाद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? मेरे एक सर थे, वो क्या बोलते हैं उनको, मतलब कि पीडब्ल्यूडी में थे, काफ़ी अच्छा उनको एक्सपीरियंस था, लगभग 60 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनको. तो क्या बोलते हैं, उनकी 2-3 बुक्स आती थी तो वो अपनी बुक्स को लेके क्लास में आते थे और उसी अपनी बुक को देख के पढ़ाते थे. मतलब बुक उनकी है, लिखा उन्होंने है, कोई उस टाइम पे दुग्गल सर, कॉपी दुग्गल, ने. दुग्गल सर तो बहुत हाई लेवल हो गए, दुग्गल सर के टीचर थे एक्चुअली वो, ठीक है? दुग्गल सर के टीचर थे वो, आप समझो कितने टैलेंटेड रहे होंगे. तो वो बोलते कि क्या बोलते हैं मुझे, मतलब हम लोग कई बार उनको बोले सर आप बुक्स क्या बोलते हैं आप ही की बुक है तो उसको आपको पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ जाती है. तो उन्होंने बोला एक तो रीजन है कि भाई देख मेरी क्या बोलते हैं उनका एज हो गया था 70+, एक तो एज सर्टेन, क्योंकि एज पे मेमोरी लूज हो जाती है ना, एक वो रीजन था. दूसरा उन्होंने बोला कि बिलीव करो सारे टॉपिक्स याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे खुद अपनी बुक्स को देख के पढ़ाना पड़ जाता है. और वो दुग्गल सर को स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ाने वाले वही थे, आप समझ जाओ कि वो कितने बड़े लेवल पे रहे होंगे वो, और उनका ये रिस्पॉन्स था. तो ये फिक्स है कि भाई हर टॉपिक्स पे कोई भी एक्सपर्टीज नहीं ले सकता है, और इंटरव्यूअर को जी भी ये समझना चाहिए अगर कोई, ठीक है अभी एक्चुअली बोलूँ क्या, थोड़ा एक एज होने के बाद ना इंटरव्यूअर भी कुछ थोड़े से ढीले हो जाते हैं, और लेकिन सही तरीका है कि इंटरव्यूअर को भी समझना चाहिए कि अगर मेरे से कोई पूछने लगेगा, ठीक है, मैं कोई बहुत सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं, बट इंटरव्यूअर को ये माइंड में रखना चाहिए कि अगर मेरे से कोई पूछ लेगा तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो मुझे ही नहीं आ रही होंगी, है कि ऐसे नहीं? बहुत कम लोग होते हैं सर जो बहुत शार्प होते हैं, मतलब मैं देखी हूँ ऐसे लोगों को हाँ जो इतने शार्प होते हैं कि पेज नंबर के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि इस वाली लाइन में ये लिखो, पर दे आर वेरी रेयर, वेरी रेयर. करेक्ट. हाँ किस उनका चीज के मतलब रिगार्डिंग, किस चीज के रिगार्डिंग? मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था, यानी संचालनालय में काम करते थे वो, हाँ और चीफ इंजीनियर से ऊपर के होंगे वो, करेक्ट करेक्ट मतलब आईएएस को वो घुमा रहे हैं ऐसे वाले, दैट हाँ उतने पावर वाले थे. करेक्ट तो उनको वो कोई अगर मतलब सैंपल वगैरह भी छपवाए हैं और उसके बारे में जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो बता देते थे कि पेज नंबर 13 के शायद 10वें या 11वें लाइन में वो लिखा होगा, एग्जैक्ट कॉपी. पर ऐसा वैसा बहुत ऐसा कम इंटेलिजेंट लेवल ऐसा लोगों का ये होता है. इंटेलिजेंट लेवल नहीं बोलोगे इसको प्रीति, इसको प्रैक्टिस लेवल बोलोगे, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का. जैसे कि अभी मुझसे अगर कोई बोले कि क्या बोलते हैं ईटीएफ्स में मासूस कहाँ पर लग रहा है, ठीक है, मॉडल्स लोड केसेस क्या हो रहा है, या फिर कोई रैबिट में बोले, मैं बता दूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं टैलेंटेड हूँ, ये गलत है, क्योंकि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ. मेरे को वो काम करते करते मेरी वही चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है. क्या बोलते हैं, हो सकता है कोई इससे डिनाई करे, पर क्या बोलते हैं, जैसे कि मुझे अगर सर्टेन वर्क है मेरे पास, सपोज अभी जैसे कि यहाँ पर अभिषेक है, केवल ऑटोकैड पे मान लो ये काम करे और 2 साल ऑटोकैड पे 3 साल करता रहे, ठीक है, ये फिक्स है कि इसको रट जाएगी वो चीजें, है कि नहीं? तो ये वही किसी उसका ने लिखा है फोटोग्राफिक मैंने मेमोरी देख हाँ देख के जो रट जाता है. हाँ एग्जैक्टली ये पॉइंट तो सही है. हाँ कि अगर तुम्हारा रोज का वही काम है तो अभी क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं हम लोग को घर में कोई चीज़ नहीं मिलती है तो अपने मम्मी लोग को फ़ोन करते हैं, पापा को फ़ोन करेंगे, मम्मी ये चीज़ कहाँ रखी है, बोलते हो पीछे वाली अलमारी में जाओ देखो उधर रखा होगा, और पक्का वही मिल जाता है. हाँ तो ये इसको बोलते हैं कि एक सर्टेन एरिया है, उस एरिया में बार बार काम करते करते उनकी एक्सपर्टीज हो जाती है. हाँ विकास बताओ. सर मैंने मतलब ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हैं ना तो हाँ आपसे वो सब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. मतलब हाँ अगर जैसे मैं अगर बात करूँ ना कि अगर कोई भी आई में फर्स्ट टाइम जा रहा है जॉब करने तो उसको बेसिक्स पूछे जाएंगे, करेक्ट उसके बाद में फिर उसके कुछ एडवांस लेवल पूछे जाएंगे. एक करेक्ट समय ऐसा आता है जब आप डीएल के लिए जाते हो या फिर आप मैनेजर के लिए जाते हो तो आपसे रैबिट के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट हैंडलिंग, हाँ टीम वर्क, ये करेक्ट सब सारी चीजें पूछी जाती हैं. करेक्ट वो भाई इंटरव्यूअर को भी पता है कि अगर कोई बंदा 4 साल 5 साल कर रहा है तो
तो उसे ज्यादा नॉलेज होगा, वास्ट चीजों का नॉलेज होगा इसके बारे में। करेक्ट है, लेकिन जो नई चीजें है वो उसको पूछ के ट्रैप करता है, ये करेक्ट है, चीजों में वो कैसा है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के, कि अगर मान लीजिए साइट की बात करें तो बारिश के दिनों में कैसे काम कराते हैं, क्या करेक्ट क्या होता है, क्या क्या आपने आप अपने लाइफ के फेलियर्स बताइए, कि करेक्ट दो है, तीन फेलियर्स क्या है आपने, कौन कौन प्रोजेक्ट्स में कैसे कैसे फेल हुए हैं, करेक्ट और करेक्ट फेल हुए तो कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी सब चीजें बहुत पूछी जाती है। करेक्ट है। टेक्निकलिटी तो एक टाइम तक रहती है, उसके बाद फिर आपको हैंडलिंग सिखाया जाता है। एक चीज मेरे को इसी से हैंडलिंग से एक चीज याद आ गया। मैंने कहीं पर कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि सुंदर पिचाई का इंटरव्यू था, ठीक है, और शायद याहू में या माइक्रोसॉफ्ट में, इतना क्लियर नहीं हूँ, बट इन दोनों में से कोई एक कंपनी थी। तो जो इंटरव्यू बैठा था, अब उसको ये समझ आ रहा था ये सुंदर पिचाई है, ठीक है, अब मैं इसे पूछूँ क्या, बट इट, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि उससे कम सैलरी है, उससे 10 टाइम्स नीचे की सैलरी पर मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, ये सुंदर पिचाई बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसने पता है क्या पूछा था, उससे क्वेश्चन क्या पूछा था सुंदर पिचाई से, वो जानने वाली बात थी कि अब तक के आपके जर्नी की सबसे डिफिकल्ट फेज क्या था प्रोजेक्ट्स में, उस फेस को मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सीधे सीधे उस सुंदर पिचाई क्या पूछेंगे, ठीक है, जितनी क्या बोलते हैं पूरी एक जनरेशन सैलरी लेती है, उतना वो सैलरी उसका साल भर का होता है। तो उससे बस एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अब तक में आपके लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है कैरियर लाइफ में, तो बस इस क्वेश्चन पर उसका सिलेक्शन के लिए ऑफर हुआ था, बट उसने डिनाई किया था उस ऑफर को। तो ये सही बात है कि एक टाइम के बाद डेफिनेटली, बट एज अ फ्रेशर तो डेफिनेटली पूछा जाता है। और सच्चाई ये बताऊं कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, उनको चीज़ें भूलने लगती है, ठीक है, मतलब कि लोअर लेवल की चीज़ें जो होती है धीरे धीरे उनकी भूलने लगती है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि फिर उनको टीएल के प्रोफाइल पर लगने लगता है ना, ठीक है। और उसके बाद जब मैनेजर हो गए तो और ज़्यादा कम हो गया नॉलेज, एबीपी बन गए तो गलती से उनको कभी कभी प्रोजेक्ट देखना पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। जितना हायर जाओगे टेक्निकली वीक होगे और क्या मैनेजिंग पावर स्ट्रांग होगी, ये मैंने अभी तक मेरे देखा हुआ है। नितिन कुछ बोलना चाह रहे हैं, नितिन बोलो, नितिन शर्मा, ठीक है, विशाल उसका मैनेजर, हाँ कोई कोई और कुछ बोलना चाहेगा या फिर समराइज किया जाए? सर हमारे हमारे जो बिम मैनेजर हैं आदर्श भाई, तो करेक्ट, सर वो इतने कूल आदमी है हाँ कि लाइक आप एकदम छोटी चीज नहीं आ रही है ना, हाँ और आप उनको एक बार जाके बोलोगे ना सर ऑफिस में, सर मुझे ये चीज नहीं आ रही है और सब लोग बिजी है, मैं से कुछ कुछ पूछ नहीं पा रहा हूँ, करेक्ट, वो फौरन आते हैं आपको बताएं। मतलब इतना अच्छा सर का एनवायरमेंट है, बस मुझे क्या चीज है ना सर, हाँ यहाँ पे यहाँ का जगह नहीं पसंद मुझे, बस बाकी तुमको बताऊँ और क्या, सर एक नंबर की तुमको बताऊँ क्या, देखिए सर इतना देखिए 20 दिन से सर बैठा हूँ, कोई काम नहीं है सर, हाँ मैं जाता हूँ मस्त यूट्यूब खोलता हूँ ऑफिस में, वहाँ हाँ बैठ के बस सीखता रहता हूँ मैं सर, करेक्ट, तो अल्टीमेटली वो लोग कभी कुछ बोलते नहीं, हाँ आप कभी खाली नहीं बैठी, आपको बस सीखना है हाँ जगह, अगर आप लाइक ऐसे बैठे हो ना तो हाँ आप कुछ ना कुछ सीखो, करेक्ट है। और एक चीज से मुझे तो ये चीज, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हाँ सर, हाँ सर, इसीलिए वो बंदा मैनेजर है, हाँ सर सीरियसली वो इतना उनका बिहेवियर इतना अच्छा है सर, इसीलिए और बंदा सर मैनेजर, ऐसा भी नहीं, बहुत खराब लोग है ना उनके लिए बहुत बुरे भी है वो, हाँ यहाँ पे कई लोग कंपनी में ऐसे रहे सर बिना हाँ बताए निकल लेते कभी, तो हाँ उन्होंने एक दिन ट्रैकर देखा कि यार कौन कौन पंच आउट करके निकला है कितने टाइम पे, क्योंकि एक टाइम होता है जब सारे सीनियर चले जाते हैं ऑफिस के, तो जो हाँ सीनियर लोग पुराने लोग रहते हैं वो रह जाते हैं, करेक्ट, तो उन लोगों को ऑफिस में बुलाया और सर पहली बार मैंने उनकी आवाज ऑफिस के बाहर आते सुनी, इतना जोर से वो चिल्ला रहे थे सीनियर्स के ऊपर, बोले तुम लोग ऐसा करोगे तो ये लोग जो अभी आए ये क्या करेंगे फिर से? हाँ तो डेफिनेटली ये सर तो वो लोग से टीम है लेकिन अच्छे लीडर की पहचान यही है ना, बहुत अच्छी चीज। अच्छे लीडर की पहचान यही है। और तुमने तो रामायण देखा होगा, ठीक है, जब क्या बोलते हैं राम को बिना समुद्र के सामने विनम्र होना पड़ा तो कैसे हो गए, और जब जरूरत पड़ी तो फिर कैसे आक्रामक हो गए, वही दोनों चीज़ की जरूरत पड़ती है अगर आप लीडर हो, क्योंकि सबसे बड़े लीडर अगर देखा जाए तो आप उनको ले सकते हो एज ए लीडर, राइट, रावण के सामने जब युद्ध, तो मैंने सर आपसे और ये विकास सर है सर इनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है सर, मैं ये फोन करके आधे आधे घंटे की खाए जाता हूँ, मैं पूछते रहता हूँ कुछ ना कुछ, हाँ, नहीं उसकी भी पर्सनल लाइफ है, इतना भी इंटरफेयर मत करो, ठीक है, नहीं अभी नहीं इतना सर ऐसा नहीं होता, हमेशा कॉल कौन, करो यार, एक बार बुरे टाइम में कॉल कर दिया था सर लेकिन बाद में सॉरी बोल दिया था हाँ मैंने मतलब कोर्ट ने लीगल बोला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिन भर कॉल करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा सीनियर है मानता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्या बोलते हैं हर टाइम उसको नहीं करोगे, नहीं सर बट मजाक कर वो रहा ऐसा हूँ, होता है आपके
फोन कर दिया, हफ्ते में, हफ्ते भर वाला सीन होता है। ओके ठीक है। अभी क्या बोलते हैं अर्जुन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हो क्या कोटा फैक्ट्री का? मेरे को नहीं पता यार, थोड़ा मुझे बता दो। सच बताऊं तो मैं तो सीरीज देखता नहीं, सबको पता ही है। क्या है उसमें कोटा फैक्ट्री में जो देखने लायक है? सर कोटा फैक्ट्री में जो है ना हाँ ये दिखाया है कि बच्चे जैसे बाहर पढ़ने जाते हैं हाँ तो हाँ वहाँ का पानी सूट नहीं करता है, वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है, करेक्ट। मेस का खाना है वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें उन्होंने बताया आपको देखना नहीं है कि खाना कैसा है, आपको पानी देखना नहीं है, केवल आपको बस रोटी ओढ़नी है, ये नहीं देखना क्या सब्जी है, बस लगाना ऐसी और खा लेना है। तो वो आपको 20-25 दिन करना है, वो अपने आप आपको फिर आदत पड़ जाएगी। अच्छी लगने लगेगी। यस सर, हाँ ये बात, अच्छी लगे ना लगे आप खा लोगे। लिटरली ये बात को मैं भी फेस कर किया हूँ। जब मैं पुणे में पहली बार आया तो क्या बोलते हैं, अब सबको नॉर्थ में सबको पता है और कि हम लोग के यहाँ पर ये उपमा वगैरह तो नहीं बनता है, नॉर्थ में जनरली उपमा वगैरह नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं पहली बार जब जॉब में आया तो फिर मैं क्या बोलते हैं, एक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मतलब वो पीजी का ही रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता था। तो 2-3 दिन से बहुत भूखा था, मतलब सही तरीके खाना नहीं मिल रहा था, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। यहाँ पर नॉनवेज की तो एक से एक दुकानें हैं, बट वेजिटेरियन की थोड़ी सी लेस मुझे दिखी। और प्लस मेरे बजट में, हमारा ऐसा होता है कि हम वेज और नॉनवेज दोनों अगर उस होटल में है तो हम नहीं खाते हैं, हम केवल प्योर वेज खाते हैं, वो बड़ा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। जिसने प्योर वेज में खाया होगा उसको पता होगा। और अपन को बजट में भी करना है उसको कि भाई 10-15 हज़ार का बैकअप है, उसी के अंदर सब सर्वाइव करना है। तो मेरे को पहली बार उपमा मिला तो मैंने अपने घर पे फोन किया, लिटरली मुझे रोना आ गया, ठीक है। मैंने अपने मम्मी को बोला, मैंने कहा यहाँ तो क्या बोलती है, हम लोग हलवा बोलते हैं ना, मैंने बोला यहाँ पर हलवा में भी नमक डाल दे रहे हैं ये लोग, खाने लायक इसको भी नहीं छोड़ा, मैं क्या खाऊँ, ठीक है। तो मेरे तो ऐसा हो गया कि मैं जॉब ही छोड़ दूंगा, जैसे शुभम बोल रहा है कुछ इसी तरीके से मेरा सिचुएशन हुआ। तो मेरे पापा ने बोला कि इतना छोटा सा संघर्ष है कर नहीं सकते हो, मैं कहा चलो खा लेंगे भाई। तो फिर मैंने वो हलवा को भी खा लिया नमक समझ के, बाद में मुझे लोगों ने बताया वो उपमा होता है वो, ठीक है। मैंने नहीं खाया था कभी ये उपमा वगैरह, और क्योंकि उधर मिलता ही नहीं, तो भाई हम लोग तो पराठा और कचौरी यही सब वाले हैं, समोसा छोला समोसा यही सब हम लोग का वो होता है फेवरेट। तो ये होता है कि थोड़ा सा जब आप बाहर जगह जाते हो, मैं ढोकला इधर आके खाया, ढोकला जबकि गुजरात की डिश है ना, तो मैंने नहीं खाया था इतना ज़्यादा ये मतलब। और प्लस अभी इतना भी है नहीं कि होटल वाजी, घर का ही खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी बहुत किया, तो समोसा वमोसा अपने रेंज में आता था, ठीक है। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अर्जुन कुछ बोलना है क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक है। अभी तुम क्या बोलते हैं, अर्जुन गाना बहुत अच्छा गाता है, इसके गाना से स्टॉक किया जाए क्या? ठीक है, अर्जुन का गाना सुना जाए, क्या बोलते विकास? ठीक है, ये अरे बहुत, डेफिनेटली सर। हाँ इसका गाना सुनते हैं, इसके बाद क्या बोलते हैं, मीटिंग को स्टॉप करते हैं, और क्या बोलते हैं, यस सर, यस सर। हाँ फिर कभी सेशन दोबारा दोबारा रखने का प्रयास करेंगे। अर्जुन अब सबकी डिमांड हो गई है, ठीक है, तुम बहुत अच्छा गाते हो मुझे पता है, तो एक गाना गा दो, उसके बाद फिर हम लोग स्टॉप करते हैं इसको, एंजॉय करते। वो काफी मजा आया सबसे बात करके। कौन सा गाना सुनेंगे सर? क्या बोलते हैं, अभी जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के हिसाब से तुम समझो कि ऑडियंस की कोई एक तड़कता वड़कता लगा दो भाई। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। नहीं क्या बोलते हैं, सभ्य वाला गाना लगाना, लगाना मतलब गाना, सॉरी यार लगाना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोई अच्छा सा जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, चन्ना मेरे या फिर कोई भी जो भी सॉन्ग है, तो क्या बोलते हैं बोलो, कोई भी एक अच्छा सा सुना, अपना फेवरेट सुनाओ, सब छोड़ी बात, अपना फेवरेट। मेरा फेवरेट सर ऐसे याद नहीं आता, आप बता दीजिए मैं गा दूंगा सर, जो भी आप कोई बताएंगे। कोई भी जो गाना सुनता है ज्यादा, वो प्लीज एक अच्छा सा गाना बोलो। हाँ विकास बोलो। सर मतलब एक गाना है, तीजा तेरा रंग है मौला, अगर वो आता है तो सुनाए, अदरवाइज कोई हो। तीजा तेरा रंग है मौला, अर्जुन तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे रंग से, मैं तो तू ही था मौला, तू ही आ मौला मेरे, ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। बस सर इतना ही आता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी आवाज। बहुत बढ़िया, बहुत सर कलाम भी गाता है, सर कलाम भी है, पीछे गाता है सर वो। कलाम गाते हो क्या? कलाम तो पीछे छुपा हुआ सर। सर सभी लोग मीटिंग में बेहोश हो जाएंगे, पूरा एंडिंग खराब हो जाएगा अगर ये गाते। कलाम कलाम भोजपुरी, कलाम भोजपुरी गाता है। अरे सर विकास भाई भोजपुरी गाते हैं, कलाम नहीं सर, गलत बोल गए आप। अच्छा विकास भाई भोजपुरी गाते हैं। अरे सर एक दिन मैंने इनको फोन किया, ये पूरे भोजपुरी के माहौल में थे पूरे। अच्छा
अगर विकास, तो भोजपुरी का ही माहौल चलता है ना। हाँ ये बात तो सही है, भोजपुरी का सही में काफी ज्यादा वो रहता है। मैंने तो भोजपुरी के लिए थोड़े से मतलब पहचान थी थोड़ी सी, तो मैंने तो एक बार ट्राई किया था ऑडिशन देने का, बट मैं रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, क्योंकि मतलब मेरी है बट उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए, तो उनके डायलॉग थे कुछ मैंने बोल नहीं पाया तो रिजेक्ट हो गया। तो मुझे ट्राई मुझे किया मुझे था भोजपुरी का कैथी लैंग्वेज लिखने आता है, जो कैथी। कैथी लैंग्वेज है ना भोजपुरी का, जो जैसे लिखा जाता है, अच्छा मुझे नहीं पता है। जैसे अपने हिंदी का देवनागरी हाँ है हाँ देवनागरी पता है। यस सर, ना। भोजपुरी में हाँ 3-4 लैंग्वेज है, मैथिली अच्छा, है, कैथली कैथी है, अंगिका है। हाँ तो मुझे कैथी मुझे आता है, बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मेरे दादा ने मुझे सिखाया था ये, अच्छा तो बहुत अच्छे से आता है उनकी, से मतलब वो लिखते थे ऐसे ही कैथी में, तो मैं ओके, जानता हूँ। बहुत बढ़िया है, वो जानना चाहिए वो कुछ नया, मतलब वो चीजें हैं। आई मीन नीचे धीरे धीरे क्या होता है कि ये चीजें गायब हो जाएंगी। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि टाइम के अनुसार से, अभी देखो रेडियो गायब हो गया, फिर क्या वो VCR DVD गायब हो गया, तो ऐसे लैंग्वेज भी धीरे धीरे विलुप्त के रूप में। हम अगर जिंदा कोई गुनगुना रहा है सुना दो यार अच्छे से, अर्जुन कुछ गाने गा रहे हो क्या, सुना दो। अच्छा ये बियॉन्ड कुछ तुम बहुत अच्छा गा रहे थे। तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं हो मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बाकी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। एक्सेलेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी एक वो यूनिक सिविल का एक गाना मैं सोच रहा हूँ लॉन्च करने के लिए, उसका सिंगर अर्जुन ही रहेगा, क्योंकि लिख तो मैं लूंगा बट मैं गाना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो उसका सिंगर ही रहेगा, फ्री में मेरे को सिंगर मिल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा एक बहुत जल्दी ये प्लान करूंगा। ठीक है, अब यस सर, उसको यस उसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ करना पड़ता है ना कि एडजस्ट करना पड़ता है कैसे राग वो लगाना, वो अब तुम अपना समझना, लिख मैं दूंगा। ठीक सर। है, तो क्या बोलते उसको, क्या बोलते कुछ बोलते हैं ना वो जो लिरिक्स 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 जो भी है। ठीक है, मेरे को नहीं पता है सच बताऊँ तो, मैं गाने का मान नहीं कर रहा हूँ बट मुझे नहीं आता है, तो क्या बोलते हैं वो है। चलो सबने एंजॉय किया होगा, ठीक है, हम लोग फिर से ऐसे कभी प्लान करेंगे 1-2 महीने के बाद। ठीक है, जब भी ये मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग करिएगा जरूर सब, वीडियो में बाकी सारे गुरुकुल वालों को ले लीजिए। ओके ठीक है, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। अभी सभी लोग वीडियो ऑन कर सकते हो तो कर लो यार, इसी बहाने हम लोग क्या हो जाएंगे गुरुकुल उसमें आ जाएंगे लाइव में, अगर हो सकता है। इसके बाद क्या बोलते हैं इसको समाप्त करेंगे, और आप लोग कोशिश करो कि, मैं तो ये बोलूंगा कि जो दूसरी बैचेस चल रही हैं आओ उसमें। ठीक है, आपको ही अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमको उसमें किसी को ही नहीं बोलूंगा, सबका अपना वो है कि माइंडसेट है कि मुझे इसके बाद क्या करना है, तो उसको कर लोगे तो बेहतर रहेगा। और स्ट्रक्चर्स में कर लो, बीआईएम में कर लो, क्योंकि एट द लास्ट तो तुम्हें कुछ एसोसिएट्स को जोड़ के काम करना पड़ेगा अगर पैसे बनाना है मार्केट में, तो ये फिक्स है। ठीक है, वो तुम्हें आज नहीं तो कल महसूस होगा कि हाँ सर ने कुछ बोला था। ठीक है, चलिए अच्छा लगा, सब लोग कर लिए, और चलिए क्या वो पूरा रिकॉर्डिंग नहीं बढ़ा मैं 1 मिनट विकास को माइक ऑन। तो मैं सोचा था कि पूरा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाया, सिस्टम बंद हो गया, पर कोई बात नहीं, फिर कभी इसको, क्यों मेमोरी के तौर पे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है रिकॉर्ड हो गया तो यूट्यूब पर पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है इसी से पर्याप्त हो जाएगा। चलो सबको, सर हाँ बोलो बोलो, नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास, जो नेक्स्ट टाइम भी जब भी सेशन रखेंगे, बिल्कुल तो उसके उसके उस टाइम पे ना ये एसोसिएट्स का जरा डीपली बताइएगा, बिल्कुल अगर सही। हो पाए तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एज ए, अब मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग एज एसोसिएट मेरे साथ काम करो। ठीक है, मैं प्लान बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है, थोड़े से मेहनत लगेंगे, ठीक है डेफिनेटली, लेकिन ये जरूर है कि आप जितना काम करोगे, ठीक है, वो आपको तो सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज, आपको ये पता चल जाएगा कि एसोसिएट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो कल को आप खुद का भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो टीचर एक ऐसा डोमेन होता है कि जिसमें ईर्ष्या नहीं होती है, बिलीव करो, विकास अगर ग्रोथ करेंगे या फिर अरबाज ग्रोथ करेंगे तो मुझे ये नहीं लगेगा यार, तो ये तो अगर सेम चीज को करोगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि
क्योंकि टीचर के डोमेन में मैंने यही चीज़ देखा कि यहाँ पर ईर्ष्या नहीं होती है, ठीक है। बाकी लोग तुमको एसोसिएट नहीं बनाएंगे, एसोसिएट बनाएंगे तो उतना ही सिखाएंगे कि तुम खुद किसी को एसोसिएट ना बना सको, ठीक है। सच्चाई ये होती है, तुम लोग एक चीज़ देखोगे, बट ये चीज़ टीचिंग डोमेन का एक पॉजिटिव है कि कभी भी ईर्ष्या नहीं आती, हमेशा हैप्पीनेस होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा पैकेज 22 लाख का लगा है ना, तो मैं चार लोगों को खुद फोन करके बताऊंगा, तो वो बताए उसका पैकेज 22 लाख का लगा है। ये बड़ा एक पॉजिटिविटी है मतलब टीचिंग डोमेन का, और पता नहीं क्यों ऐसा है कि भले ही क्या पता मेरा मेरा 16 लाख ही हो, तुम्हारा 22 मुझे बड़ा प्राउड फील कराता है, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगता है मुझे टीचिंग डोमेन का, ठीक है। तो बिल्कुल करेंगे ऐसा जरूर, मैं एसोसिएट के बारे में डीप में एक्सप्लेन करूंगा, दो तीन चीज़ें और हैं जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था बस वही मेन था कि एक तो ये बताना था कि भाई अगर आपके पास जॉब रेफरेंस है तो ग्रुप्स में शेयर करो, किसी का भला हो जाएगा, ठीक है। करना क्या, हमारा एक मिनट गया किसी की जिंदगी बन गई, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज यही डिस्कस करना था। दूसरा तो सर ये जरूरी तो नहीं कि अपने ही अगर अपने नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई हो भी, तो भी शेयर करें, कहीं भी करो, ठीक है। बस शेयर करने का एक हैबिट होना चाहिए कि भाई यहाँ पर है मेरा नहीं तो किसी का, तो किसी के घर में तो क्या बोलते चूल्हे पर आग लगेगी, तो वो आग किसी न किसी का पेट भरेगा, तो अपना कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलती है, ठीक है। बिलीव करो मेरी, नंबर लिया है सर मैंने भैया का, हाँ ठीक है। तो क्या बोलते मुझे पता है तुम कनेक्शन बना लोगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये लोग तो अपना एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, ठीक है। और क्या बोलते मुझे एक दिन किसी ने मुझे बताया कि ये क्या बोलते हैं, तो मैं समझ गया कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो जब तक कनेक्शन नहीं बनाओगे ना ग्रोथ नहीं होगा, ये फिक्स है, ठीक है। कनेक्शन के बिना बनाए क्या बोलते एक लिमिटेड लेवल का ग्रोथ होगा। मैं आज जितना भी हूँ मेरे जो आसपास के लोग हैं उनका जो भी बोलो कि उनका जो लेवल है उसी का सम हूँ मैं, मतलब कि कोई अलग नहीं हूँ मैं। अगर कोई मेरे आसपास क्या बोलते हैं सपोज पैसे के फॉर्म में आसान हो जाएगा करना, अगर सबके पैकेज 20 लाख 25 लाख 18 लाख इसके आसपास है ना, तो मेरा भी पैकेज कुछ उसी के बीच में आ जाएगा, फिक्स है। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने जो भी चीज़ें कनेक्शंस को जितना इंक्रीज कर लेते हो ये बेनिफिट, और जितना अच्छा कनेक्शन मिल जाए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छा कनेक्शन जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि उनके टाइम जो होते हैं बहुत कीमती हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद ना समझ आ जाता है ना। मेरे घर में ऐसे ही मतलब घर में ऐसे हो रहा था कि ये काम करना है, तो क्या बोलते हैं मेरे फादर ने बोला कि इसी से कराना जरूरी है क्या, मतलब कुछ ऐसे घर में काम थे जिसको मुझे बोला गया कि ये कर लेगा, ठीक है। तो बोले कि इसी से कराना जरूरी है क्या, तो क्या बोलते घर वालों कुछ ऐसा क्यों कि मतलब ठीक है वही कर लेगा, तो बोले कि वो अगर क्या बोलते हैं उतने टाइम में ज़्यादा वैल्यू कहीं और पुट कर सकता है तो उसको करने दो ना, ठीक है। मतलब कोई घर के छोटे मोटे काम हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि उसको मैं ही करूँ, ठीक है, कोई और कर सकता है, क्योंकि वो जो क्योंकि सबको जैसे एज बढ़ती है टाइम का वैल्यू पता चल जाता है ना, तो बोलते हैं कि भाई 1.5 घंटा इसका यहाँ पर क्यों लगाना, कहीं और लगेगा तो इसका कुछ ज़्यादा क्या बोलते हैं वो होगा। और बिलीव नहीं करेंगे मेरी फैमिली तो बोलती है कि क्या बोलते हैं तुम लोगों के लाइफ में वैल्यूज ऐड करते हो, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। और तुम सबको पता है कि आपको कि मैं एक ब्राह्मीण फैमिली से आता हूँ, तो वहाँ पर ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो बोलते हैं ये तुम सबसे अच्छा काम करते हो, और क्या बोलते हैं इसलिए तुम अपना ज़्यादातर टाइम इसमें डाला करो, दूसरे काम को हम लोग मैनेज कर लेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ को लेके कि जो काम आप कर सक जो उस काम कोई भी कर सकता है उसको मत करो, अपने 1 घंटे की वैल्यू को इंक्लूड करोगे तो बड़ा ही ज़्यादा रिजल्ट निकलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यार टाइम ही है, ठीक है। जो टाइम को मैनेज कर लिया वो ठीक है अंबानी भी बन जाता है, टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो हम लोग थोड़ा सा नीचे भी रह जाते हैं, है कि नहीं। तो टाइम को मैनेज करो कि हम अपने टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा 1 घंटा स्पेंड हुआ तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट 1 आवर्स, ठीक है। कुछ सीखा कि नहीं मैंने उस 1 घंटे में, ठीक है। जैसे आजकल रील्स और उसमें जाता है ना तो 3 घंटे 4 घंटे चला जाते हैं पता नहीं चलते, ठीक है। एक लड़का मुझे फ़ोन करता सर प्रैक्टिस को टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैंने बोला मैं थोड़ा मूड में था हंसने के मूड में था, मैंने बोला एक चीज़ बोलूँगा करोगे, तो बोला क्या, तो मैंने बोला कि तुम सेटिंग में जाओ अपने मोबाइल के, तो सेटिंग में गया तो एक सेटिंग होता है ना उसमें डिस्प्ले कर सकते हो कि कितने घंटे क्या किए हो। मैंने कहा तुरंत स्क्रीनशॉट देना ईमानदारी से, ठीक है। 7 घंटे का स्क्रीनशॉट था जिसमें से उसके करीब 4 घंटे इंस्टाग्राम पे थे। मैंने कहा कुछ आंसर मिला, तो बोलता है सॉरी सर, ठीक है। तो सही कहा आपने, अगर हम अपने टाइम को प्रॉपरली देखे ना कि हम हर दिन में कितना क्या करते हैं, हाँ। तो सबसे ज्यादा अगर हम फोन में से इंस्टाग्राम और यूट्यूब की चीजें निकाल दें सीखने को छोड़ के, सीखने को छोड़ सर हमारा बहुत सारा टाइम बचता है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। करेक्ट है। और फिर अब सोचो कि अब वो असाइनमेंट्स करके नहीं आ रहा था, तो मुझे क्या लगता है ना कि इफ यू आर स्पेंडिंग योर मनी एंड इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम तो क्यों खराब कर रहे हो उसको, है ना। तो मैंने उसको सिर्फ बोला, उसको एक दिखाया कि भाई देखो तुम्हारा 7 घंटे यहाँ पर जा रहा है, इसका आधा भी निकाल दिए होते तो असाइनमेंट्स हो गया होता,
ठीक है, तो उसको आंसर मिला। और इस चीज़ का सही बात है। और एक चीज़ और बोलूँ क्या, ये तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैंने एक चीज़ देखा हुआ है कि उसमें जिस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें तो को देखते रहते हो ना, उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें उसमें आती रहती है। तो मैं बहुत समय पहले, मतलब 2-2.5 साल पहले, मेरे भी बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम जा रहे थे चीज़ों को लेके, तो मैंने किसी के वीडियोस देखा कि उसी से रिलेटेड चीज़ों को, संदीप माहेश्वरी सर का देखा था, उसी से रिलेटेड चीज़ों के पेजेस अगर आप लाइक कर लेते हो बहुत जल्दी बोर हो जाओगे चीज़ों से, मतलब उसको चलाना ही बंद कर दोगे और नहीं तो फिर इंजॉय करने लगोगे। मैंने सिविल इंजीनियरिंग के जितने पेजेस थे सर्च कर करके सबको लाइक कर दिए। अब पोस्ट जब फेसबुक खोलता हूँ तो सिर्फ उन्हीं के पोस्ट होते हैं, किसी में कॉलम का कवर दिखा रहा है, किसी में रेनफोर्समेंट दिखा रहा है, ऑटोमेटिक या तो चलाऊंगा या फिर लगेगा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, बंद कर दूंगा। तो शायद ये मेथड अपना ये सकते बात हो, सही बोली सर आप। होता है ना वो चीज सर? बहुत जल्दी रिकमेंड करता है, जो एक बार आप उसको लाइक कर दिया देख लेना वो हाँ फटाफट आने लगती है। करेक्ट है। तो अभी ये क्या बोलते हैं, अगर विकास ने भोजपुरी गाना पवन सिंह का देख लिया तो बस हो गया, उसकी लड़ाई वड़ाई आती रहेगी और उसको देखता रहेगा क्या ठीक है। एक और कौन है, एक हीरो है, वो क्या नाम है उसका जो वो बोलता है मैं भैंस चराता था, क्या नाम है उसको, निरहुआ? नहीं निरहुआ एक और अरे है, परे वो यादव करके है ना, कोई परे यादव करके एक है, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव, ठीक है। तो ठीक है, चलो एंजॉय करो, अच्छा लगा आप लोग को भी शायद अच्छा लगा होगा इस चीज़ को लेके। और क्या बोलते हाँ थोड़ा सर, बहुत बहुत ठीक है, अच्छा थोड़ा लगा। बहुत एसी वाले हम लोग किए, कोशिश करो कि अगर कुछ और हेल्प की जरूरत पड़े, मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो हमेशा करो। नेक्स्ट टाइम हम एसोसिएट से रिलेटेड बातें करेंगे, कैसे आप जुड़ सकते हो, अपना 1 घंटे आधे घंटे सही जगह लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा ही करूँगा कि उसमें आपका लर्निंग हो सबसे ज़्यादा, और बाकी गुरुकुल में जिसको आना है डेफिनेटली आ सकते हो। चलो बाय बाय एंड सबको गुड नाइट। ओके ओके ओके।